मिलते हैं यहाँ के ऑनर मिस्टर विजय प्रसाद जी से। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। तो भैया, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर, वैसे तो सूरत में 2 लाख से ज्यादा व्यापारी है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डलते हैं तो वो सिंगल सिंगल पीस में भी बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या मैन्युफैक्चरर सिंगल पीस में बिजनेस कर सकते हैं? मतलब ऐसा होता है? देखिएगा, जब माल नहीं बिकेगा तो किसी तरह भी बेचना पड़ेगा, एक पीस भी करके, दो पीस भी करके जी। लेकिन रिटेलर काम जिसका भी होता है तो एक पीस दो पीस बेचेगा जी। लेकिन क्या है, ऑनलाइन जो करते हैं, हाँ बोलते हैं मैं होलसेल हूँ, होलसेल करता हूँ, तो आओ खरीदार भी समझते हैं कि एक पीस दो पीस जो बेचते हैं तो क्या मैन्युफैक्चरर है कि होलसेलर है, और वो ऑनलाइन में फिर फोटो भेजते हैं, वो करते हैं। हम लोग का तो देखिए वो सब काम है नहीं, जिसको भी लेना है तो हम लोग पास फुर्सत ही नहीं है कि सैंपल भेजेंगे, यहीं शॉप पे विजिट कराते हैं, कंपनी में ही विजिट कराते हैं और रहना खाना फ्री देते हैं जी। और वो गांव से चलते हैं, टिकट व्हाट्सअप कर देते हैं, फिर हमारे लड़के उनसे बात कर करके और नंबर दे देते हैं ड्राइवर को। 24 घंटा का सर्विस है, रात में आए, दिन में आए, कभी भी आए, सब फ्री सेवा है, निस्वार्थ जी सेवा देते हैं और यहाँ बुला करके उनको दिखाते हैं तो उनका बिजनेस आगे बढ़ता है जी। नहीं तो क्या है, 10-20 हज़ार का लोग मंगा लेते हैं फ़ोन पे, हमारे पास भर दिन फ़ोन आता है, हम लोग मना करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनका बिजनेस उसी का सक्सेस होता है जो आ करके सूरत शॉप पे विजिट करके देख के लेके, देख करके आंखों के सामने माल ले जाते हैं, तो यहाँ कुछ सीखने को मिलता है तो वहाँ जाके आगे बेचते हैं जी। फिर उनको कुछ कस्टमर भी सिखाते हैं तो जाके व्यापार सक्सेस होता है, और नहीं तो ऐसे करते रहेंगे घर बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर एक एक पीस में बिजनेस नहीं करते, वक्त नहीं होता इतना उनके पास कि वो सिंगल पीस बेचे। और अगर मैन्युफैक्चरर ही दोस्तों सिंगल पीस का व्यापार करने लग जाए, वो भी मंडी के अंदर, सूरत मंडी में, तो बाकी पूरे जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ के रिटेलर्स क्या करेंगे? सही बात है। सो बहुत ही अच्छी बात है, आपने अगर वीडियो थोड़ा भी स्किप किया है तो कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात आज आपको बताई गई है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है क्लियरिफिकेशन किया है मैन्युफैक्चरर के बारे में। थैंक यू सो मच भैया।